फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो रामचरण की आने वाली पैन इंडिया फिल्म गेम चेंजर से मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए बताया है कि गेम चेंजर के सेकंड सिंगल की अनाउंसमेंट सितंबर के महीने में की जाएगी, पर अभी भी मेकर्स ने इस पोस्टर में इस फिल्म की रिलीज डेट को मेंशन नहीं किया है। पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि गेम चेंजर के मेकर्स अपने इस फिल्म को 20 दिसंबर 2024 को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखना होगा कि गेम चेंजर की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। आपको बता दें, रामचरण की ये फिल्म एक पॉलिटिकल एक्शन इंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर शंकर ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें रामचरण के साथ कियारा आडवाणी और एसजे सूर्या लीड रोल में देखने को मिलेंगे। तो देखना होगा कि डायरेक्टर शंकर और रामचरण की ये पैन इंडिया फिल्म कैसी होती है। और वहीं दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि 9 सितंबर को उनके जन्मदिन पर उनकी आने वाली एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। आपको बता दें, ये वही फिल्म होने वाली है जिसे अक्षय कुमार डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ बनाने वाले हैं। जी हाँ, डायरेक्टर प्रियदर्शन अक्षय कुमार के साथ दोबारा से काम करने वाले हैं, जो कि भूल भुलैया की तरह ही एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है। और वहीं कहा जा रहा है कि मेकर्स ने इस फिल्म में अक्षय कुमार के अपोजिट करीना कपूर खान को साइन किया है। और वहीं डायरेक्टर प्रियदर्शन इस फिल्म के ऊपर काम आने वाले कुछ महीनों में स्टार्ट करेंगे और अक्षय कुमार की ये फिल्म हमें 2025 में देखने को मिलेगी। तो देखना होगा कि डायरेक्टर प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की ये फिल्म कैसी होती है। आने वाले 2 से 3 सालों में मार्वल वाले बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने वाले हैं। तो अभी मार्वल वालों ने डेडपूल और वुल्वरीन से बॉक्स ऑफिस पर अपना कमबैक कर लिया, और इसी के दौरान मार्वल वालों ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को सबसे बड़े विलन डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में अनाउंस करके ऑडियंस के सामने एक बड़ा बम फोड़ दिया। और अब वहीं मार्वल वालों ने ऑडियंस को दूसरा बड़ा सरप्राइज दिया है। तो बात कुछ ऐसी कि मार्वल ने हॉलीवुड के जाने माने एक्टर टॉम क्रूज को आयरन मैन के कैरेक्टर के लिए साइन कर लिया है, और जल्द ही टॉम क्रूज हमें ओरिजिनल आयरन मैन यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर से लड़ते हुए दिखाई देंगे। जहां कहा जा रहा है कि टॉम क्रूज का आयरन मैन सबसे पहले एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाला है, और ये फिल्म हमें मई 2026 में देखने को मिलेगी। और उसके बाद टॉम क्रूज का आयरन मैन हमें एवेंजर्स की आने वाली फिल्म सीक्रेट वॉर में देखने को मिलेगा, और एवेंजर्स की ये फिल्म हमें मई 2027 में देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले 2 से 3 सालों में मार्वल को टॉप पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बात करें थलापति विजय की फिल्म द गॉड के 2 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इसमें हम मेकर्स के द्वारा नहीं बल्कि ट्रेड के द्वारा बताए गए कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। जहां द गॉड ने अपने पहले दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 44 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसमें से 39 करोड़ 15 लाख रुपए तमिल वर्जन से, 3 करोड़ रुपए तेलुगु वर्जन से और 1 करोड़ 85 लाख रुपए हिंदी वर्जन से कलेक्ट किया। और वहीं द गॉड ने दूसरे दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया, जहां द गॉड ने 22 करोड़ तमिल वर्जन से, 1 करोड़ 35 लाख रुपए तेलुगु वर्जन से और 1 करोड़ 40 लाख रुपए हिंदी वर्जन से कलेक्ट किया। और इसी के साथ द गॉड ने 2 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 69 करोड़ 50 लाख रुपए का नेट कलेक्शन और 82 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और वहीं द गॉड ने 2 दिनों में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 73 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, और इसी के साथ द गॉड ने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 155 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो देखना होगा कि थलापति विजय की फिल्म द गॉड का पहले वीकेंड का कलेक्शन कितना होता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि आमिर खान एक अच्छे एक्टर होने के साथ एक अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं, तो उन्होंने कई सारे मेकर्स के सामने अपनी एक बात को रखा है, जहां उन्होंने कहा है कि किसी भी बॉलीवुड फिल्म को 12 हफ्तों के थिएटरिकल रिलीज के बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना चाहिए। और बात करें अभी के चल रहे ओटीटी डील की, तो कोई भी हिंदी फिल्म अपने रिलीज के 4 या 8 हफ्तों बाद ही किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। तो अब आमिर खान का कहना है कि कोई भी हिंदी फिल्म हो, जब तक उसके 12 हफ्ते थिएटर में ना निकल जाए, तब तक उस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं करना चाहिए, जिससे ऑडियंस का थिएटर में आना बढ़ेगा और फिल्मों को नुकसान नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि आमिर खान की ये डील सही है या गलत? सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली अनटाइटल फिल्म, जो कि दिनेश विजयन के प्रोडक्शन के अंडर बनने वाली है, इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अपोजिट जानवी कपूर को कास्ट कर लिया गया है। आपको बता दें, सिद्धार्थ मल्होत्रा की ये फिल्म एक रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर तुषार जलोटा डायरेक्ट करेंगे। अभी तक इस फिल्म को लेकर ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, पर कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें इस फिल्म को लेकर कई बड़ी अपडेट देखने को मिलेंगी। सुपर स्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म वेटेन से मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए बताया है कि वेटेन का पहला सिंगल 9 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें, डायरेक्टर टीजे गनावेल के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म एक मास मसाला एक्शन इंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जो हमें 10 अक्टूबर 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी।
धनुष की आने वाली पैन इंडिया फिल्म कुबेर से मेकर्स ने एक नए पोस्टर को रिलीज किया है। आप यहां पर इस पोस्टर को देख सकते हैं। आपको बता दें, धनुष की यह फिल्म एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर शेखर कामुला डायरेक्ट कर रहे हैं। और वहीं इस फिल्म में हमें धनुष के साथ रश्मिका मंदाना और नागार्जुन जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। अभी तक मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया है, तो देखना होगा कि धनुष की फिल्म कुबेर की रिलीज डेट क्या होती है। गोपी चंद की आने वाली फिल्म विषम के टीजर को रिलीज कर दिया गया है। आपको बता दें, गोपी चंद की यह फिल्म एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसके टीजर में हमें हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ एक्शन से भरी स्टोरी देखने को मिल रही है। तो विषम का टीजर देखने में ठीक ठाक सा लग रहा है, तो देखना होगा कि गोपी चंद की ये फिल्म कैसी होती है। आपको बता दें, इस फिल्म को डायरेक्टर श्रीनु वाटेला ने डायरेक्ट किया है, जिसमें हमें गोपी चंद के साथ काव्या थापल लीड रोल में देखने को मिलेंगी। और गोपी चंद की ये फिल्म हमें 11 अक्टूबर 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। महर्षि मंदु व्यस्ते पिशाची। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।